Anyway, we have to study about the integration. हमारे सिलेबस में दो तरह के इंटीग्रेशन हमें पढ़ना है मेरे बच्चा, एक आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल और एक आपका डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है जी। एक आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल, और दूसरा आपका डेफिनेट इंटीग्रल। अगर हम बात करें इंटीग्रेशन में दो तरह के इंटीग्रल्स पढ़ने में, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट। जब आपका इंडेफिनेट आ जाएगा आपको, तो डेफिनेट आपको 90% तक पीता होता है वो भी जब बस इंडेफिनेट। पहले तो ये जानेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या इंडेफिनेट है क्या डेफिनेट, ठीक है। सबसे पहले हमने बात कर ली इंटीग्रेशन, ये क्या इंटीग्रेशन में सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये उल्टा प्रोसेस है, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वन। तो अगर मैं वन से एक्स बनाना चाहता हूं तो वो इंटीग्रेशन, मींस आप जिस तरीके से डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आता है उस डिफरेंशिएशन से फिर से वही फंक्शन आप बनाना चाहते हैं तो आपको इंटीग्रेट करना। तो सबसे पहला पॉइंट, आ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब जब ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, इंटीग्रेशन में बेस हमें तीन चैप्टर है, एक तो इंटीग्रेशन ही है, एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी इंटीग्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। तीन चैप्टर कनेक्टेड, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। जब ये रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स का मतलब एंटी, ठीक है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन को एक और नाम से भी जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी का मतलब अपोजिट होता है, रिवर्स होता है, और हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज अ एंटी डेरिवेटिव। कहीं लिखा है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, इट मींस ही इज आस्किंग फॉर अ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज, इंटीग्रेशन इज आल्सो नोन एज, also known as anti derivative, usse aap anti derivative bhi bolte hain, theek hai। Integration is also known as anti derivative। Anti derivative ke sath sath ek aur naam bhi hota hai iska, primitive। Primitive integration is also known as anti derivative and a primitive। Kahin aap se mujhe find anti derivative mil gaya, is asking for a integration। Then if it is saying for find the primitive, then it is also asking for integration, ठीक है जी। अब ये इंटीग्रल,
रिवर लगा इंटीग्रेशन क्या है रिवर्स प्रोसेस सारी चीजें यहीं से कनेक्टेड होंगी रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव ठीक है जो डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है विद डेरिवेटिव यूज होगा किसी ना किसी तरीके से ठीक है और बस वो चाहिए चीजें वहां कनेक्ट करके बता दें कैसे तीसरी बात जैसे d by dx of r fx ठीक है हमने कहा आता है आपके पास कितना इस तरीके से f dash याद है इस और ऐसे लिख लेता हूं d by dx of fx plus c देखा है आपके पास f dash x आएगा C कोई कांस्टेंट है कांस्टेंट का जी तो जिस दिन मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो याद रखिए ना जो रिवर्स प्रोसेस तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx वुड बी इक्वल्स टू fx प्लस c के बराबर यही चीज बात है वो c पे बात होगी ये होता है यहाँ पर अब ये क्या क्या मतलब है इन बातों के एक चीज समझिए ये क्या क्या चीज एक ही हुई एफ डैश एक्स में क्या एफ से लिख लेते हैं इसको आपको बताया कि एफ डैश एक्स है ना यहाँ पे मैं तो कैपिटल से दिखा देता हूँ उसके यहाँ पे स्मॉल से ताकि बच्चे तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फुल बेक पोस्ट ऑफ एफ एक्स प्लस सी यहाँ पर ये जो चीज है आपके पास ये है आपके पास ये कराता है आपके पास इंटीग्रल ये है इंटीग्रल इसका नाम क्या है इंटीग्रल ठीक है ये जो ये सिंबल लगा हुआ है दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रल साइन ऑफ इंटीग्रल ठीक है जी और ये जो है जी आपके पास ये dx ये आपको ये बता रहा है कि वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है यूनिटी अगर एक्शन होगा जो यहां लिखा होगा ये बताएगा आपको कि वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस t लिखा होगा वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t x लिखा है तो वी आर इंटीग्रेटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x तो ये चीज आपको बताती है यहां पे Which, with whose respect, we are integrating. इसके respect में हम integrate करते हैं. With whose respect we are integrating. ये integral है. ये sign of integral है. ये बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल जुड़ा है ठीक है और इसका जो नाम है आपके पास ये आपके पास इंटीग्रेंड है इंटीग्रेंड ठीक है और ये आपके पास है ये जो है आपके पास ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटी और इस c की वजह से ही इंटीग्रेशन दो पार्ट में बटा हुआ है आ इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड डेफिनिट ठीक है अब क्यों बटा हुआ है इंडेफिनिट और डेफिनिट में यही मैं चीज आपको समझाऊंगा ये c की वजह से ही क्यों बटा हुआ है c कहां से आ गया ठीक है देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा d by dx of x square निकालो क्या आएगा 2x आएगा ऑप्शन d by dx of x square is 2x मैंने कहा d by dx of x square plus 3 निकालो क्या आएगा 2x plus 3 और 2x आएगा फिर मैंने कहा d by dx of
एक्स स्क्वायर माइनस सी निकालो क्या आएगा यार। अब मैंने क्या कहा था इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस, बताओ इन सभी के इंटीग्रल करोगे तो यह आना चाहिए ना। अब कब जीरो लिखा है, कब थ्री लिखा है, या कब माइनस थ्री लिखा है, कब प्लस टू है, कब माइनस टू है, ये पता थोड़ी ना होगा। पता है जब जो बताएंगे तो क्या पता। तो इसलिए क्या लगा देते हैं यहाँ पे सी लगा देते हैं। सी का ना कोई कॉन्स्टेंट है, कोई कॉन्स्टेंट जरूर रहा होगा, चाहे जीरो रहा हो जीरो से ऐसा कुछ तो रहा ही होगा। अब इस सी की वैल्यू फिक्स नहीं है, कभी ये जीरो हो रहा है, कभी थ्री हो रहा है, कभी माइनस थ्री हो रहा है, तो मीन्स ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट है। तो जब आपके पास सी आता है तो उसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, और जब तक सी की वैल्यू पता लग जाएगी उसको बोलते हैं डेफिनेट। दिस इज द इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है जी। इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल एक रिवर्स प्रोसेस है जिसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो जब डेरिवेटिव का कांस्टेंट आया, ठीक है, तो जब उसका डिफरेंशिएट करो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है यार, जो भी देगा। और उसका आप रिवर्स बनाना चाहते हो तो वो कौन सा कांस्टेंट रहेगा ये पता ही नहीं होगा, तो वो कौन सा कांस्टेंट, वो इंडेफिनिट है। इसलिए जिस दिन कांस्टेंट की वैल्यू ना पता हो तब तक ये इंडेफिनिट है, जिस दिन ये सी की वैल्यू पता लग जाएगी ये डेफिनेट। किसी के बारे में कोई क्वेरी आता। So, here C is indefinite. So, then this integral is called, indefinite. यहां तक कोई क्वेरी है किसी को? तन्वी, ईशिका, आदित्य, प्रांशु, मानवी, अब सुना जाएगा ध्यान से। और ये तो बात हुई जनरल बेसिक बात हो गई, ठीक है। ये तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे करना कैसे, क्वेश्चन इज क्या करना है कैसे, तो बेसिक बात चलने के लिए है ना। तो ये आपको समझ गए फिर से ना, बस और रिवर्स प्रोसेस है। तो जैसे आप आपके पास डिफरेंट चीजें के मीनिंग है, ठीक है, डिफरेंट चीजें के दो मीनिंग, दो एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल और ज्योमेट्रिक। फिजिकल एस्पेक्ट क्या होता है, यूज नहीं हुआ कोई टॉपिक कट गए तो बताया था मैंने, व्हाट इज द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंस। जी इसको याद है, फिजिकल एस्पेक्ट होता है आपके पास कि कोई भी क्वांटिटी किसी चीज के रिस्पेक्ट में चेंज होती है, ठीक है, वो फिजिकल एस्पेक्ट है। डिफरेंस जगह होगा कोई भी जब एक क्वांटिटी किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में चेंज होगा तो वो डिफरेंस। एक ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में पढ़ा हमने, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट क्या है, टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है जी। ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, डी बाई डी एक्स को क्या करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ऐसे भी इंटीग्रेशन में क्या दिया था, फंक्शन के लिए डिफरेंस लगा रहे और फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन लगा रहे, जब डिफरेंस के लिए फिजिकल एंड क्वांटिटी को दे रहा है तो इंटीग्रेशन को दे रहा होगा, तो सुनिए मेरा, फिजिकल मीनिंग ऑफ, फिजिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, meaning of
बेसिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है आपके पास? एक्चुअली इंटीग्रेशन इज द समेशन. इंटीग्रेशन जो है वो सम करता है छोटी छोटी चीजों. आप फिजिक्स में ही पढ़ते होंगे, ये छोटी चीज है इसको बड़े में कन्वर्ट करना है, कर दो इंटीग्रेट. कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां. ठीक है, तो जहां पर भी आपको किसी छोटी चीज को बड़ा करना हो, ठीक है, तो कोई भी चीज छोटी चीज कैसे बड़ी होगी? जब छोटे छोटे पार्ट जुड़ेंगे, जब तो बड़े हुआ तो मीन्स इंटीग्रेशन इज द समेशन ऑफ अ स्मॉलर थिंग्स. छोटी छोटी चीज को आप जोड़ देते हैं तो बड़ी चीज बन जाती है. ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा मैं आपको. ठीक है, आप लोग इतना जिन्होंने फिजिक्स जो साइंस के बच्चे हैं वो समझ में आता है. आप लोग इंटीग्रल ऑफ dx लिखता होता है, इंटीग्रल ऑफ dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx नहीं लिखा है तो फिजिक्स में पढ़ते हैं इसका इंटीग्रल क्या आएगा? इसका इंटीग्रल आएगा x. ठीक है, तो देखो ये dx है मतलब बहुत छोटा पार्ट है, उसे कंप्लीट कर दिया इंटीग्रेशन में x. इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ स्मॉलर थिंग. ये फिजिकल एस्पेक्ट है. इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ स्मॉलर. वो छोटी छोटी चीजों का सम कर देता है. ठीक है, तो इसलिए वो समेशन के नाम पर है सम. नाउ ज्योमेट्रिकल में, मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, देखो इसका इंटीग्रेट करो. ठीक है, तो ये भी आ सकता है, इसका इंटीग्रेट करो ये भी आ सकता है, इसका इंटीग्रेट करो तो ये भी आ सकता है. इसको मैं प्लॉट करूं, ये क्या चीज है? इसका ग्राफ अगर आप बनाओ तो क्या बनेगा? ये क्या है? क्वाड्रेटिक ग्राफ कैसे बनता है? ये पैराबोला बनेगा पूरे दिन. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का मतलब थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा पैराबोला ही बट थ्री पे शिफ्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा. ठीक है, माइनस थ्री का बनाओगे तो ये थोड़ा नीचे बन जाएगा, और बना देना तो और बनते चला जाएगा. ठीक है, तो आप अगर देखो तो इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली क्या दे रहा है? ये कर्व तो दे रहा है बट एक कर्व नहीं दे रहा, एक तरह के सारे कर्व दे रहा है, एक तरह के हमें क्या मिल रहा है? फैमिली ऑफ कर्व्स मिल. ठीक है, क्योंकि कर्व ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो इंटीग्रेशन गिव द फैमिली ऑफ कर्व्स. इनडेफिनिट इंटीग्रल गिव द फैमिली ऑफ कर्व्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल Give the sum of smaller. But again, these are the meaning of physical meaning and geometrical meaning of integration. Geometrically, integration gives the family of किसी को किसी तरह की क्वेरी यहां तक कोई बात ना सुनवाई चलो आगे बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन. अब बात आती है आपके पास मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की. इंटीग्रेशन हम करना है तो करना कैसे, ये हमने जान लिया इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस.
ठीक है भाई हमने कह रहे टू एक्स का इंटीग्रल ये भी होता है, टू एक्स का इंटीग्रल ये भी होता है, टू एक्स का इंटीग्रल ये भी होता है, ठीक है। तो अभी बनेगा कैसे, तो सबसे पहले नाउ वी टू स्टडी अबाउट द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले इंटीग्रेशन पढ़ेंगे आप बेसिक इंटीग्रेशन, जैसे जैसे हमने बेसिक डिफरेंशियल की पढ़ा था, पर बेसिक डिफरेंशियल लगा के पढ़ जाते तो एक और पढ़ा देता, यहां पे आपको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली बार ये बात ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन में रूल के नाम पे सिर्फ दो ही तीन ही रूल है आपके पास, सम का रूल है, सब्ट्रैक्शन का रूल है और कांस्टेंट रूल है, कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड बनाना है कोई रूल नहीं है, उसके तरीके हमें उसे हटाना है, उसे कोई तरीके ढूंढने पड़ेंगे, एक तरीका नहीं सबके अलग चीज के अलग अलग तरीके। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का बेसिकली हमारे पास कोई रूल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि चक्कर क्या है, अब जैसे सुनिए के राजस के बारे में बताना मैं आपको, कई बार हम लोग क्या करते हैं x into x square plus 3 y इसका d by dx करते हैं, हां जी। तो आप लोग क्या करते थे, इसका डिफरेंशियल या तो प्रोडक्ट यूज करते थे या एडिशन यूज करते थे, पहले मल्टीप्लाई करते, तो एक्चुअली तो ये मल्टीप्लाई करके होना था, होता था टाइम बचा के प्रोडक्ट यूज से किया, तो मल्टीप्लाई वाली चीजें एडिशन से हो सकती है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, तो ये तो रिवर्स चलेगा, ये अब रूल नहीं बनाएगा, तो बस का ये ला देगा तो वो एक ही तरीके से है, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन में ना तो कोई प्रोडक्ट रूल है ना कोई डिवीजन रूल, यहां पर तो फॉर्म्स है, एक क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा, अच्छे ये आ गया डिवाइड की फॉर्म है, तो डिवाइड को एलिमिनेट करना है, प्रॉब्लम तो ये डिवीजन रूल नहीं, उसे एलिमिनेट करना है, तो आपको फॉर्म्स बताऊंगा मैं, उन पे दिमाग लगाना, इस वाली फॉर्म से रिमूव कर ले या इस वाली फॉर्म से, ठीक है। इंटीग्रेशन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इन कंपैरिजन टू डिफरेंशियल, ठीक है जी। Now we have to study about the methods of integration. Methods of integration. सबसे पहला मेथड है इसमें आप बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन के नाम पे आपको तीन चीजें पढ़नी है और दो चीजें तो लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस एंड रूल्स, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन में था उसके उल्टे याद रखें, ठीक है, याद रखने के लिए अगर आपको डिफरेंशियल फॉर्मूले याद है उसके उल्टे तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज आती है इसमें लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, देखिए जैसे d by dx होता कॉन्स्टेंट करते थे आप तो जीरो आ जाता, तो जीरो का इंटीग्रल देंगे जीरो, ठीक है। बट अगर d by dx ऑफ 6x लिखा होता था
ग्यारह हजार प्लस सिक्स बार देखो इसका इंटीग्रल करने में ना एक पावर आ जाएगी ना, ठीक है। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ कहीं लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर क्या आएगा टू एक्स, तो यहां जब इसका इंटीग्रल करो तो यहां ना चाहिए ना, ठीक है। तो यहां पे एक पावर बढ़ जाएगी, तो जो भी यहां पे लिखा होता है उसमें एक पावर बढ़ जाती है ना, तो इसीलिए सबसे पहले इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन डीएक्स, जो कि आप सभी ने पढ़ रखा है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कैसे वो तो कॉन्स्टेंट है ना, वो तो यहाँ बात में नीचे डिवाइड है, ठीक है। पावर तो यहाँ पर प्लस हुई, यहाँ पे कितनी है वन, तो वन प्लस वन से नीचे भी टू आया उसमें जो लिख दिया x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इन शॉर्ट आप ऐसे देखें d by dx of x की पावर n का फॉर्मूला क्या nx n माइनस वन, तो यहां पर जो भी पावर लिखती है उससे पावर बढ़ रही है ना, तो n माइनस वन लिखा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लो थोड़ा मेकअप करके n लिखा और जो पावर उसको बढ़ा दी, ठीक है जी। सब फॉर्मूले को टेबल है, बट आप अगर डोमेन और रेंज का थोड़ा कंसेप्ट पढ़ें तो ये तभी एप्लीकेबल है जब इंटीग्रल क्या होगी कोई भी रियल नंबर क्या नहीं होनी चाहिए माइनस, तो n शुड नॉट इक्वल्स टू माइनस, कहने का मतलब 1 अपॉन x dx का इंटीग्रल तो कुछ और ही होगा log x 1 अपॉन x किसका है डिफरेंशिएशन log x इक्वल्स टू log x प्लस, ठीक है। चलिए e की पावर x dx का इंटीग्रल, और e की पावर x का इंटीग्रल होगा ना e की पावर x का, फॉर्मूला याद रखने का ये बेस्ट तरीका है। ये सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन होता था उसका इंटीग्रल हुआ है इंटीग्रल, ठीक है। चलो sin x dx sin x किसका इंटीग्रल, sin x किसका डिफरेंशिएशन होता था cos x का, ठीक है, पर माइनस क्यों होता था, तो माइनस को बदल दो इसका दे, इसलिए इसका मतलब माइनस के cos x प्लस, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ cos x dx, cos x किसका होता था sin x का, तो sin x प्लस sin cos 10 10x dx, उसका डिफरेंशिएशन होता था का sec square x होता था, 10x किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता, sin x upon cos x का होगा बिल्कुल, ठीक है। बेसिकली फॉर्मूला थोड़ा पढ़ा था हमने, ये डिफरेंशिएशन होता है किसी का, पर किसी क्वेश्चन का होता था, जैसे कि कौन क्वेश्चन था मैं सामने लिख देता हूं, माइनस के लॉग साइन एक्स का लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ जरा मुझे, माइनस के लॉग कॉस एक्स का माइनस के लॉग कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस के लॉग कॉस एक्स प्लस, ठीक है। और अगर हम थोड़ा लॉग में जाए तो ये आगे क्योंकि चीज सर पर पहुंच जाएगी, प्रॉपर्टी है लॉग की, सर पे रखा हुआ सामान काट देगा और नीचे रखा हुआ सामान सर पे रख देगा, तो लॉग कॉस एक्स माइनस वन भी लिख सकता हूं, थोड़ा और सिंपली मैं लॉग
वन अपॉन कॉस एक्स भी लिख सकता हूँ, थोड़ा इधर कुछ लिख सकते हैं क्या, सेकेंड्स बिल्कुल लॉग सेकेंड्स भी लिख सकता हूँ, प्लस एक फॉर्मूला ये भी है मॉड में लिखा है, मॉड में से लिखा है क्योंकि लॉग का भी नेगेटिव वैल्यू लेता है, ठीक है। तो 10x dx का फॉर्मूला माइनस लॉग cos x प्लस c आइदर लॉग sec x प्लस c, दूसरी काम की बात है यहां पे। इंटीग्रेशन में तुमने तरीका बदल दिया तो आंसर बदल जाएगा, आप उसे सेम करना चाहे सेम होगा नहीं, मेथड बदल के ही सेम होगा, ठीक है। कहीं लिखा हुआ है आंसर में लॉग sec x tan x की जगह का वो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तभी आएगा, या फिर उसकी तुम ब्रिज जाना पड़ेगा बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन। तो इंटीग्रेशन में एक बात और है, अगर आपने इंटीग्रेशन करने के लिए मेथड बदल दिया तो आंसर डिफर करेंगे, ठीक है। अगर आंसर बदलाना तो अपने आपको ये नहीं कि हम वही पे दिमाग लगा रहे हैं मेथड बदलने की सोचना, तो ऐसे बोर्ड में तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कॉम्पिटेटिव पॉइंट पे आंसर बदलेगा तुम तो दूर तक तो आंसर मैच नहीं कर रहा, मेथड बदलो आंसर मैच हो जाए, ठीक है जी। साइन कॉस टेन कॉट कॉट एक्स डी एक्स, चलो इतनी बात हम क्लियर हो जाएगी। कॉट एक्स कितना कितना डिफरेंशियल, कॉट एक्स इसका डिफरेंशियल होता था अरे ठीक है वैसे भी होता था, बट अगर ऐसे देखे तो ऐसे होगा लॉग साइन एक्स का, लॉग साइन एक्स का, लॉग साइन एक्स का लॉग साइन एक्स का मतलब साइन एक्स sin x cos x cos upon sin, so integral of cot x dx would be equals to a log sin x plus dx, then minus cos x log x minus log cos x का तो यही आपने tan 1 बना दिया tan cos x cos x अब वो होता है minus log साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स, चलो सेक एक्स डी एक्स, सेक एक्स होता था किसी का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स पर एक्स सेक एक्स पर एक्स दूसरा बड़ा है मुझे लगता है पहले, ठीक है। तो सेक एक्स होता है आपके पास लॉग sec x plus tan x का, जरा डिफरेंशिएशन बताना, log sec x plus tan x का, देखो क्या है इसका डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ log sec x plus tan x, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इंटीग्रेशन ये उल्टा चल रहा है सब कुछ, sec x आ रहा है क्योंकि आप इधर log sec x plus tan x लोगे माना मान sec x plus tan x एक तरह तुम्हारा पूरा डिफरेंशिएशन का रिवीजन है, एक तरीके से इंटीग्रल में पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का रिवीजन, पूरा डिफरेंशिएशन यूज होगा यहां पे, तो माना मान sec x plus tan x अब sec x का भी होगा sec x tan x plus sec square x, ठीक है। sec x कॉमन आ जाएगा, जब sec x कॉमन आएगा अंदर क्या हो जाएगा tan x plus sec x upon sec x plus tan x, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx होता है log sec x plus tan x plus किस प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन और ठीक है। इंटीग्रल ऑफ cosec x dx जैसे ये भी है वो भी नहीं है, इसका होता है मैं लिख देता हूं log cosec x minus cot x, cosec x minus cot x प्लस c लगाना नाम है, ठीक है। ये तो है और दो चार तो तरीके मिल गए, इंटीग्रल ऑफ
sec square x किसका डिफरेंशिएशन है एक्स का जो बेसिक चाहिए वो चाहिए तो फालतू में मिल गया इंटीग्रल ऑफ sec square x tan x plus c इंटीग्रल ऑफ cosec square x dx किसका माइनस cot x माइनस cot x प्लस सी हाँ ठीक है ऐसे ही इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx किसका इंटीग्रल sec x का sec x tan x dx का इंटीग्रल हो गया sec x प्लस सी इंटीग्रल ऑफ cos x cot x dx इंटीग्रल क्या माइनस के cos x प्लस सी बात ठीक है आगे चलते इंटीग्रल ऑफ a की पावर x dx a की पावर x किसका इंटीग्रल होता था a की पावर x आता था d by dx log a की पावर x होता था a की पावर x तो कौन सा इंटीग्रल हो गया तो इंटीग्रल ऑफ a की पावर x क्या बन जाएगा a की पावर x अपॉन log a की पावर x अपॉन log प्लस ठीक है जी और इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन रूट एक्स वन अपॉन रूट एक्स रूट पर काफी लोगों ने बताया लो रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा था वन अपॉन टू रूट एक्स हाँ जी ये होगा तो वन अपॉन रूट एक्स का क्या हो जाएगा टू कॉन्स्टेंट है तो टू रूट एक्स प्लस टू रूट एक्स प्लस होने के लिए वो एक्स वाले फॉर्म से ये पर यू इतना होता है तो इसकी तरह चलिए वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का ठीक है ये डिफरेंशिएशन होता है किसका साइन इनवर्स एक्स का तो जिसका इंटीग्रल मिलेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी ठीक है तो मैंने फॉर्म में कहा था ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर dx इसका डिफरेंशिएशन होता था cos इनवर्स x cos इनवर्स x प्लस अब वो उधर ले जाएंगे कोई बात नहीं आज उधर ले जाएंगे तो हम कैंसिल कर देंगे नेगेटिव को ही ले रहे हैं वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर एक्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इनटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स इसका sec inverse x sec inverse x minus 1 upon x into under root of x square minus 1 dx this is the cosec inverse x plus the column is this way we have फॉर्मूले के स्टूडेंट इंटीग्रल लेगा ये लिस्ट ऑफ फॉर्मूले के लिए
सब हमने आपको क्लियर होंगे तब जाके आगे की बात ठीक है। पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको याद रहे तो क्या आपने देखा सिंपल सा है ये सोचना है किसका डिफरेंशिएशन था वो जिसका डिफरेंशिएशन रहा होगा उसका इंटीग्रेट वही है वो सारे फॉर्मूले में जाकर ऐसे ठीक है। मेन डिफरेंशिएशन से पूरी पूरी तरह कनेक्टेड है ठीक है। कल आपको ऑफ है क्या आएंगे आगे आएंगे फर्स्ट फॉर्म यही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक से आपको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ठीक है बच्चा थैंक यू ठीक है।